पपीता हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद पपीता खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे पेट दर्द की समस्या भी हो जाती है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर पपीता खाने के बाद पेट दर्द क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पपीता एक ऐसा फल है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने का एक आसान और कारगर नुस्खा है, लेकिन जहां पपीते को वेट लॉस और ग्लोइंग स्किन से लेकर पेट की समस्याओं से आराम दिलाने वाला फूड माना जाता है, वहीं पपीता खाने से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। वहीं एक शिकायत लोगों को बार बार रहती है कि पपीता खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द होने लगता है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट की माने तो पपीता खाने के बाद लोगों को पेट दर्द की समस्या होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो पपीता पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पहले से पाचन खराब है तो इससे उनकी समस्या बढ़ सकती है, जिसकी वजह से उन्हें पेट में दर्द हो सकता है। वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, पपीते से एलर्जी होना कोई नई बात नहीं है। ये समस्या कई लोगों में देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को पपीते से एलर्जी है और वो पपीते का सेवन करता है तो उसे पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन जब किसी को पपीता खाने के बाद पेट दर्द होता है तो वो इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ खास आराम नहीं मिलता। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पपीते में लेटेक्स पाए जाते हैं, जिनमें पपेन नामक यौगिक भी पाया जाता है। नेचुरल होने की वजह से थोड़ी मात्रा में पपेन शरीर के लिए नुकसानदायक साबित नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करता है तो ये तत्व गले से होते हुए फूड पाइप तक के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे भोजन को ना निगल पाने जैसी समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही साथ आपके पेट में दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा आप पेट दर्द से राहत पाने के लिए कुछ उपाय भी आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। इसमें नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो आपके पेट की गैस को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप जीरा और सौंफ की चाय भी पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप दूध और दूध से बने उत्पाद ना खाएं। अगर आपको पेट संबंधी समस्याओं में डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो इससे पेट में एसिड की मात्रा और बढ़ सकती है। और अगर आपको पपीता खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बार एलर्जी की वजह से इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।